के पेपर में एक ऐसी खबर छपी है ना, जिसे आप पढ़ेंगे तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। केंद्र की भाजपा सरकार ने दो वकीलों को जज बनने से रोक दिया। आखिर क्यों रोक दिया उसे जज बनने से? क्योंकि उनके नाम थे मोहम्मद मंसूर और बरासत अली। क्योंकि वे दोनों मुसलमान थे इसलिए उसे जज बनने से रोक दिया गया। हाँ, यही सच्चाई है। केंद्र की भाजपा सरकार ने दो मुसलमानों को जज बनने से रोक दिया। क्यों ना कहा जाए कि भाजपा मुस्लिम विरोधी है? लोकतंत्र में विश्वास रखने वालों की आज आस्था कहाँ गई? क्या मुसलमान जज नहीं बन सकते? क्या मुसलमान वकील नहीं बन सकते? मुसलमान था इसलिए उसे जज बनने से रोक दिया गया। कॉलेजियम ने सिफारिश की थी इन दोनों को जज बनाने के लिए केंद्र सरकार के पास। केंद्र सरकार ने बहाना बना के उसे लौटा दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? लोकतंत्र में सबसे बड़ी कुर्सी होती है, सबसे बड़ा पद होता है जज का। जब कोई व्यक्ति जज के पद पे बैठता है तो वो ना कोई हिंदू का मुद्दा देखता है ना मुसलमान का मुद्दा देखता है। वो जस्टिस के आधार पे, सबूत के आधार पे न्याय करती है, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो। लेकिन आज केंद्र की भाजपा सरकार जस्टिस को अपने हाथ में करना चाहती है। जस्टिस पे उसे बैठाना चाहती है जो आरएसएस से जुड़े है, संघ से जुड़े हो, भाजपा के चमचों को बैठाना चाहती है। शायद इसीलिए उसने कॉलेजियम की बात को नकार दिया और मुस्लिम को जज बनने से रोक दिया। क्या यही हमारे देश का लोकतंत्र सिखाता है कि लोकतंत्र को चलाने वाले संविधान को ही आघात पहुंचाया जाए, जज की नियुक्ति में भेदभाव किया जाए? मेरे भाई, सच्चाई यही है। भाजपा मुस्लिम विरोधी है, ठीक है, टिकट ना दे, किसी को मुख्यमंत्री ना बनाए, सांसद ना बनाए, विधायक ना बनाए, ये चलती है, राजनीति करे, लेकिन लोकतंत्र की रखवाली करने वाले संविधान के ऊपर, जस्टिस के ऊपर, न्याय के ऊपर भेदभाव किया जाए, ये कहां का लोकतंत्र है? धर्मनिरपेक्ष देश का मतलब क्या होता है? यहाँ किसी धर्म की कोई मान्यता नहीं होगी। टैलेंट के आधार पे आप आगे बढ़िए, धर्म के आधार पे यहाँ की राजनीति होती है। लेकिन आज न्यायपालिका में भी धर्म आघात कर रही है। जस्टिस को सिर्फ आरएसएस का गुलाम बनाया जा रहा है। यदि आज ना खड़ा हो पाए, यदि आज आप सड़कों पे नहीं उतरे ना, वो दिन दूर नहीं जब आपके घरों में भी आरएसएस अपना हुकूमत चलाएगी। आज मुसलमान को जज बनने से रोका गया है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने मुसलमान को जज बनने से रोक दिया। क्या मुसलमान मुसलमान के हक में न्याय करता है? क्या जस्टिस बनने वाले धर्म के आधार पर न्याय करते हैं? यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्यों धर्म के नाम पे उसे जज बनने से रोक दिया गया? क्या उसे जज बनने का अधिकार नहीं था? मेरे भाई, आप खेल कूद हंसी मजाक के बहुत सारे वीडियो शेयर करते होंगे, लेकिन आज आज आपके कौम के लोगों को जज बनने से रोक दिया गया है। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि केंद्र की भाजपा सरकार की पोल खुल जाए और उन मोहम्मद मंसूर अली और बरासत खान को जो जज बनने से रोक दिया गया है उसे जज बनाइए आप, तभी हमारी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी आगे बढ़ेगी। और इसमें हिंदू को भी सोचने की बात है, मुसलमान को भी सोचने की बात है, सिख को भी सोचने की बात है, ईसाई को भी सोचने की बात है। क्या हमारे देश का संविधान लोकतंत्र भाजपा की गुलाम बन के रहेगी, आरएसएस की गुलाम बन के रहेगी, या संविधान को चलाने वाले धर्मनिरपेक्ष लोगों को इस संविधान की सबसे बड़े पद पे बैठाया जाना चाहिए बिना धर्म के भेदभाव किए, बिना? भाजपा को एक्सपोज कीजिए और उन लोगों को सबक सिखाइए जिन लोगों ने उन मोहम्मद मंसूर अली और बरासत खान को जज बनने से रोक दिया है। और आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि इस देश में खलबली मच जाए। सोनू सलमान ने आज जो कहा है सच कहा है, ना किसी धर्म के प्रति कहा है, हकीकत को आप नहीं दबा सकते हैं। मेरे भाई, शेयर कीजिए इस वीडियो को।